जैन दोस्तों, आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो अभी यूपी प्लस से रिलेटेड, यूपी प्लस के री एग्ज़ाम से रिलेटेड एक जो नोटिस है वो वायरल हो रहा है। किसका? विश्वविद्यालय का। क्योंकि जो यूपी प्लस भर्ती बोर्ड है उसने जो जितने भी विश्वविद्यालय उनके लिए नोटिस भेजा होगा, वो भेजा है कि आप अपने जितने भी कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय के जितने भी कॉलेज हैं, उनमें बताइए कि कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, कितना क्या है, मतलब उसका ब्यूरो मांगा है। तो मतलब कि भर्ती बोर्ड ने विश्वविद्यालय से मांगा है, विश्वविद्यालय ने किन से मांगा है? जो अपने कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय से अटैच कॉलेज होते हैं उनसे। तो एक किस कॉलेज का है आपको पता ही है, तो आपको एक नोटिस में दिख रहा होगा कि बलिया का एक कॉलेज है, चंद्रशेखर विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, उसकी जितने भी कॉलेज हैं। तो जो विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय ने अपने कॉलेजों में सर्कुलेट किया है कि यूपी प्लस जो भर्ती है, भर्ती की लिखित परीक्षा होनी है, उसके संबंध में ये लेटर है उन्होंने कॉलेज को भेजा है। उन्होंने ये डिटेल मांगी है अपने कॉलेज को कि लिखित परीक्षा कैसे कराई जा सकती है, क्या कितने बच्चे बैठ सकते हैं, कितने बच्चे एक कॉलेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्या है कि मतलब पूरी डिटेल मांगी है इसके बारे में है। क्योंकि ये अभी 15 मई का है, 15 मई को मतलब कि कॉलेजों को भेजा गया, उन्होंने 3 दिन के अंदर मांगी है। तो सीधी बात है कि आपकी भर्ती परीक्षा की मतलब कि प्रोसेस आगे बढ़ रही है। भर्ती परीक्षा मतलब कि आपकी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की आगे प्रोसेस बढ़ रही है, री एग्ज़ाम होने की प्रोसेस चल रही है का मतलब है कि अभी सेंटर आपके निर्धारित नहीं हुए हैं। आपके सेंटर निर्धारित होंगे फिर आपको बताया जाएगा, डेट फिक्स होगी, हर चीज़ की अभी मतलब कि वो होना जारी है। जो भी जितनी भी चीज़ें हैं अभी चल रही हैं प्रोसेस में। तो अभी देखो कौन सा महीना चल रहा है, मई चल रहा है। अब मई में आपके अभी सेंटर फिक्स नहीं हुए, और अगर हम डेट की बात करें किसी यूपी प्लस एग्ज़ाम की तो क्लियर हम बता देते हैं जून में। तो अभी क्योंकि अभी देखो क्या चल रहा है, मान लो अगर देखा जाए तो अभी इलेक्शन चल रहे हैं, अभी अगर सेंटर तय हो रहे हैं, इलेक्शन भी चल रहे हैं, तो इलेक्शन से पहले तो आपके क्या है, एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। जून में भी आपका लगभग चांस है कि री एग्ज़ाम नहीं होगा। आपके चांसेस है होने के एग्ज़ाम जुलाई लास्ट है, अगस्त में होने के चांसेस अगर होंगे तो, इससे पहले आपके चांसेस नहीं है कि आपका री एग्ज़ाम होगा। लेकिन एक चीज़ और आपको हम बता दे रहे हैं कि लेकिन अपनी तैयारी बरकरार रखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, जैसे पता है आपको बहुत सारे फॉर्म भरे गए थे, एग्ज़ाम भी दिया था, तो उन्होंने बच्चों का मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, बच्चों ने क्या कर दिया है, पढ़ाई से मन हटा लिया है, पढ़ाई बंद कर दी है। तो अभी ज़रूर ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। और एग्ज़ाम है अभी तो होना है नहीं, 2 महीने बाद ही मिनिमम होगा, 2 महीने के बाद ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पता हमने क्या बताया, जुलाई लास्ट और अगस्त में आपके एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, या ये भी हो सकता है उससे बाद भी डेट चली जाए। पहले कभी नहीं एग्ज़ाम होगा, देखना मैं बता रहा हूँ, पहले एग्ज़ाम नहीं होगा, इसके बाद ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और आगे हम बताएं अपनी तैयारी कर रहे हैं, जैसे अपनी तैयारी करते रहें, जैसे अगर आप जो जब एग्ज़ाम तो पहले होना था 17-18 फरवरी को हुआ था, वो लीक हो गया, उसकी वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, री एग्ज़ाम होना है, तो आप लोगों ने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया होगा, ये तो पता ही है। लेकिन कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे, दोबारा सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे। तो भाई जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है वो मॉक टेस्ट भी लगा रहे हों, अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट तथा पिछले ईयर के मॉक टेस्ट किस प्रकार से आए हैं, उसके लिए एक बुक है जिसमें मतलब कि 17-18 फरवरी के क्वेश्चन भी दिए गए, 17-18 फरवरी को जो टेस्ट आए थे वो भी क्वेश्चन दिए गए, उसी को आधार मान के और भी सेट बनाए गए। तो ये बुक है करण पब्लिकेशन में, उसमें 22-23 से प्रैक्टिस सेट हैं, उसको लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तो मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि दो मतलब कि प्रीवियस ईयर के और मतलब कि जो भी प्रैक्टिस सेट आए हुए हैं, जैसे पहले जब एग्ज़ाम होता था उसमें भी सेट आए हुए हैं, तो उनको लगाना चाहते हैं, तो 2006 से 2024 तक उसमें सेट दिए गए हैं, तो एक और बुक है, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, उसको भी लेके परचेज कर सकते हैं। करण पब्लिकेशन की ये दोनों बुक हैं, उनको आप हल कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको बताएं हम कि जैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो पहली प्रायोरिटी होती है कि आपका सिलेबस देखिए, सिलेबस देखने के बाद सिलेबस कवर कीजिए, यानी सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो फिर आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। प्रैक्टिस सेट से क्या होता है, आपकी स्पीड बढ़ती है, मॉक टेस्ट लगाने की क्षमता बढ़ती है, आप कम समय में अधिक क्वेश्चन कर पाओ, यानी आप 2 घंटे में 150 क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ये चीज़ें होती हैं, इसलिए मॉक टेस्ट लगाता है। कौन सी गलती हो रही है, कम क्वेश्चन मतलब कि ज़्यादा क्वेश्चन गलत तो नहीं हो रहे हैं, ये चीज़ में सुधार होता है मॉक टेस्ट, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, चाहे ऑनलाइन लगाइए चाहे ऑफलाइन। अगर ऑफलाइन लगाना चाहते तो हमने बुक बताई दी आपको, तो इन बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि 2-3 महीने बाद आपका एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होना ही है, क्योंकि अभी परीक्षा केंद्र चयनित हुए नहीं हैं, होने हैं, अभी डिटेल मांगी गई है कॉलेजों से, फिर उनमें से वेरीफाई करेंगे, फिर आगे क्या होगा, बहुत सी चीज़ें हैं, वेरीफाई करने के बाद चयनित होंगे, ये चीज़ें हैं।
तो अपनी तैयारी करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी है, बुक हैं, उनसे लगा सकते हैं। हमने बुक भी बता दिया, अगर ऑफलाइन लगा चाहें तो इस बुक से भी पढ़ सकते हैं। उन दोनों बुक की लिंक है डिस्क्रिप्शन पर डाल देंगे। अगर डिस्क्रिप्शन से नहीं परचेज करना तो कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी से परचेज करें। आपके पास की दुकान में मिल जाएंगी, ऑनलाइन कई प्लेटफॉर्म वहाँ पर मिल जाती हैं। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।